नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर सियासत तेज है। नीतीश सरकार ने राज्य में जाति आधारित गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ा दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, वहां भी उनके हाथ निराशा ही लगी है। इसके बाद से मानो बिहार की सियासत में बयानबाजियों ने अपनी और रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। वही अब तेजस्वी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेर लिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार पर मानो बम ही फोड़ दिया हो। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि वंचित और अपेक्षित वर्गों के कल्याण जातिगत जनगणना करवाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने दशकों तक सड़क से सदन तक कठिन संघर्ष किया। जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी तब मात्र 17 महीने में ही हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी राज्य में जातिगत जनगणना करवा कर इसके आंकड़े प्रकाशित किए। तेजस्वी ने आगे कहा कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए उसके आधार पर बिहार में नवंबर 2023 में सभी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया गया। दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी इसे संविधान की 9वीं सूची में डालने का आग्रह किया गया, लेकिन आरक्षण विरोधी बीजेपी और एनडीए सरकार ने इससे इनकार कर दिया। डबल इंजन सरकार बनने के 8 महीने बाद भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। नई आरक्षण सीमा के अंतर्गत प्रदेश की लाखों नियुक्ति में नौकरी पाने से पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग वंचित रह गए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हमने कहा था कि अगर बीजेपी जेडीयू पिछड़े और वंचित वर्ग हितैषी है तो बिहार के आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में डाले, देश में जातिगत जनगणना कराए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, लेकिन तीनों में से कोई कार्य नहीं हुआ। आगे तेजस्वी ने कहा कि जेडीयू की बीजेपी ना तो एनडीए कोई बात नहीं सुनती है, सब बस सत्ता के मजे ले रहे हैं। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार की बातों को कोई अहमियत नहीं देती है, ऐसे में उन्हें सरकार से पहले अपने समर्थन को वापस लेना चाहिए। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की तरफ से तेजस्वी के इस ट्वीट पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।